कितना अच्छा हो जाएगा ना अगर पार्टनर बिजी होने के बाद भी आपको टाइम दे, बिजी होने के बाद भी आपसे बात करे। वेल नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण और आप देख रहे हो स्काइल। वैसे आप सभी को बताएं कि जिंदगी में रिलेशनशिप के अलावा भी बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, फैमिली, बिजनेस, वर्क, कॉलेज, स्टडी, एजुकेशन, ये सारी बातें हमारे लाइफ में होती है रिलेशनशिप के अलावा। लेकिन कई बार क्या होता है ना, जब रिलेशनशिप स्टार्ट होता है, जब रिलेशनशिप में सब कुछ सही चल रहा होता है, तब हम ना चाहते हुए भी एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा अटेंशन देते हैं, एक दूसरे से काफ़ी अच्छे से बात करते हैं। लाइफ में और क्या चल रहा है ना, इस बात पर हमारा ज़्यादा ध्यान नहीं होता है, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को हम ज़्यादा अटेंशन देने लगते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है ना, धीरे धीरे पार्टनर का बिहेवियर चेंज होने लगता है, पार्टनर का ध्यान उनके लाइफ पर जाता है, वो किसी काम में बिजी हो जाते हैं या फिर वो फैमिली में उलझ जाते हैं, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसी काफ़ी सारी बातें होती है जिस वजह से वो वहाँ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और आपको थोड़ा इग्नोर करते हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये नहीं कि वो उनके लाइफ पर ध्यान दे रहे हैं, प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो उनके लाइफ में बिजी है, प्रॉब्लम ये है कि वो आपको अटेंशन नहीं दे रहे हैं, वो आपसे अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं। एक सिंपल सी साइकोलॉजी सबसे पहले आप समझ जाओ। जब भी हम ये देखते हैं ना कि कोई हमें अटेंशन नहीं दे रहा है, कोई हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, कोई हमसे सही से बात नहीं कर रहा है, तो हमारा दिमाग हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, ना चाहते हुए भी हम उन्हीं के बारे में बार बार सोचते हैं, और इस वजह से अगर वो थोड़ा भी हमें इग्नोर करे तो हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो थोड़ा भी अगर हमसे अच्छे से बात ना करे, उस वक्त हम दुखी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त हमारा ध्यान पूरा उनके ऊपर है और उनका ध्यान हमारे ऊपर है ही नहीं। एक सबसे बड़ी गलती जो हम इस सिचुएशन में करते हैं, हम उनको ये शो करते हैं कि हम पूरे तरीके से फ्री है और सारा दिन हम उनका ही वेट करते रहते हैं। कहीं ना कहीं हम हमारी इमेज को पार्टनर के सामने ऐसा बना लेते हैं, बिजी पार्टनर के सामने ऐसा बना लेते हैं। पार्टनर उनके लाइफ में बिजी है, लेकिन हम उन्हें क्या शो कर रहे हैं कि हम तो सारा दिन उनके लिए अवेलेबल है, जब भी वो हमसे बात करेंगे हम उनके लिए अवेलेबल हो जाएंगे, या फिर हम आगे से ही सारा दिन कोशिश करते रहेंगे उनसे बातचीत करने की। जब बातचीत होती है, थोड़ी देर बातचीत होने के बाद पार्टनर शो करता है कि उनका इंटरेस्ट नहीं है या वो किसी काम में बिजी है, हम क्या करते हैं, बातचीत को खींचने की कोशिश करते हैं, थोड़ी देर और बातचीत हो जाए ये हम कोशिश करते हैं। लेकिन इन्हीं गलतियों के वजह से, जी हाँ, इन्हीं गलतियों के वजह से पार्टनर आपको अटेंशन नहीं देता है। अगर आप उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा अटेंशन दोगे तो फिर उनका बिहेवियर पूरे तरीके से न्यूट्रल हो जाएगा, यानी कि उनका ध्यान आपके ऊपर नहीं रहेगा। अब बेसिकली ना, एक छोटी सी बात को आप समझने की कोशिश करना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर वो बिजी है तो आप भी बिजी हो जाओ, वो आपको इग्नोर कर रहे हैं तो आप भी उन्हें इग्नोर करो, वो आपसे बात नहीं कर रहे तो आप भी उनसे बात मत करो। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो उनके लाइफ में बिजी है तो उन्हें उस वक्त ज़्यादा अटेंशन मत दो, थोड़ा स्पेस दो, थोड़ी दूरी अगर बन रही है बनने दो। हमारे मन में अजीब से ख्याल आने लगते हैं ब्रेकअप को लेकर, उस वजह से हम भी इरिटेट होते हैं, उन्हें भी इरिटेट करते हैं, जिस वजह से हमारी वैल्यू, रिस्पेक्ट, सब कुछ कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पे ब्रेकअप का डर अपने मन में मत आने दो, क्योंकि अगर वो बिजी है, आप उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा अटेंशन दोगे, ज़रूरत से ज़्यादा समझाने की कोशिश करोगे, तो फिर आपके बीच में फ़ाइट होगी और फाइट होने के बाद ही ब्रेकअप की बात निकलती है, वरना कोई भी इतने आसानी से ब्रेकअप नहीं करता है। कई बार तो ये भी आप समझ लो कि रिलेशनशिप में ब्रेकअप इतने आसानी से होते नहीं है, लेकिन सिचुएशन ऐसी बन जाती है, फाइट्स होने लगती है, आप दोनों एक दूसरे से इरिटेट होने लगते हो, इस वजह से ब्रेकअप होता है। अब यहाँ पे करे तो करे क्या? देखिए, मैं आपको ना बहुत ही ध्यान से बता रहा हूँ, आप बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले सारा दिन उनके पीछे मत पड़ो। सबसे बड़ी गलती जो आप इस सिचुएशन में करते हो, उन्हें सारा दिन अटेंशन देते हो, सारा दिन उनसे बातचीत करने की कोशिश करते रहते हो। आपको ये गलती इस सिचुएशन में नहीं करनी है। दूसरी सिचुएशन क्या है, जितना टाइम आपको मिल रहा है ना, उतने टाइम में आप भी शो करो कि आप भी अपनी ज़िंदगी में खुश हो, आप भी हैप्पीनेस के साथ अपनी ज़िंदगी को जी रहे हो। अब आप कहोगे कि अगर हम ये शो करेंगे कि हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता है, तो वो तो और ज़्यादा हमसे दूर हो जाएंगे, वो तो फिर हमें टाइम ही नहीं देंगे।
ऐसा नहीं है। जब आप अपने ज़िंदगी में खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे, कमज़ोर नहीं रहोगे, दुखी नहीं रहोगे, तो पार्टनर आपको और ज़्यादा टाइम देगा। हो सकता है एक दिन में ऐसा ना हो कि आज आपने हैप्पीनेस बताई, कल आपको टाइम मिल गया, लेकिन धीरे धीरे उनके माइंड में ये बात डालो कि आप भी अपने ज़िंदगी में बिजी रहते हो, आपकी ज़िंदगी में भी आप हैप्पी रहते हो। इससे क्या होगा ना, बैलेंस बनेगा, वो आपको इग्नोर नहीं करेंगे। जब भी उनको टाइम मिलता है वो आपसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए जितना टाइम आपको मिल रहा है ना, उतने टाइम में खुद को बेस्ट बनाने पर ध्यान दो। और ज़्यादा टाइम चाहिए, और ज़्यादा बात करनी है, ये डिमांड मत करो। अगर ज़्यादा ही डिमांड करते रहोगे, ज़्यादा ही बातचीत करने की कोशिश करते रहोगे, इग्नोर होने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि उनका ध्यान तो अभी आपके ऊपर है ही नहीं। वो इग्नोर करके खुश रहेंगे, वो बिजी हो जाएंगे दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, काम में, और आप परेशान होते रहोगे। इसीलिए अटेंशन को कम्प्लीटली अपने हाथों में रखो कि आपको उन्हें ज़्यादा अटेंशन नहीं देना है। ये सिचुएशन एक हफ्ता या 10 दिन के लिए ही रहती है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम डिस्कस करने लगते हैं, फाइट करने लगते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तब वो प्रॉब्लम 1 महीने तक 2 महीने तक चलती है। लेकिन अगर अपना समझदार बनकर स्पेस देना स्टार्ट कर दोगे, वैसे एक बुक है रिलेशनशिप से रिलेटेड, 5 Love Languages, उस बुक में भी ये बहुत ही अच्छे से लिखा गया है कि आपको पार्टनर को स्पेस देना ही होगा। अगर पार्टनर किसी काम में बिजी है, उनका ध्यान आपके ऊपर नहीं है, तो ज़बरदस्ती उनका ध्यान अपने ऊपर लाने की कोशिश मत करो, क्योंकि जब आप उन्हें स्पेस देते हो ना, तो धीरे धीरे उन्हें आपकी कमी महसूस होती है। हमें लगता है कि हम ही उनसे अटैच है, वो तो हमसे अटैच ही नहीं है। ऐसा नहीं होता है, अटैच वो भी है, अटैचमेंट उनके साइड से भी है। बस आप इतना समझ जाओ कि आप खुद को कितना स्ट्रांग बना के रखते हो। अगर आप खुद को स्ट्रांग बनाने के लिए तैयार हो, खुद को स्टेबल करने के लिए तैयार हो, तो फिर तो 100% एक दिन में नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे उनका ध्यान आपके ऊपर भी आएगा। कमज़ोर बनकर टाइम मांगोगे तो टाइम नहीं मिलेगा। इसीलिए बहुत ही समझदारी के साथ आपको अपनी पर्सनालिटी पर काम करना है। पार्टनर के सामने ये मत शो करो कि वो बिजी है और आप सारा दिन फ्री रहते हो। जब आप अपनी पर्सनालिटी को चेंज करते हो ना, ये शो करते हो कि आप भी अपने ज़िंदगी में खुश हो, तब बैलेंस बनता है, ब्रेकअप नहीं होता है। एक अजीब सा डर हमारे मन में चलता है कि वो वहाँ पे बिजी है और हम हमारे साइड से हमारे ज़िंदगी पे भी ध्यान देंगे तो वो और ज़्यादा हमसे दूर हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। अगर आप उनके पीछे रहोगे, समझाने की कोशिश करोगे उनके ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ये जानने की कोशिश करोगे वो कहाँ पर कब कितने बिजी है, ये सब जानने की कोशिश करोगे ना, तब वो आपसे इरिटेट होकर झूठ बोलना स्टार्ट कर देंगे, बातें छुपाना स्टार्ट कर देंगे, आपकी वैल्यू नहीं करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। इसीलिए आपको उनके ज़िंदगी में घुसने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने लाइफ को बैलेंस करने की ज़रूरत है। जितना टाइम मिल रहा है ना, उतने टाइम में खुद को बेस्ट बनाओ, स्ट्रांग बनाओ, हैप्पी रहो, दोस्तों के साथ खुश रहो, और अपने लाइफ में भी बहुत ज़्यादा काम है। आप भी ऐसे फ्री नहीं हो, जो भी आपके लाइफ में काम है ना, वहाँ पे ध्यान देना स्टार्ट करो। जब पार्टनर ये देखेगा ना कि आप भी बिजी रहते हो, आप भी अपने काम को अटेंशन देते हो, ना चाहते हुए भी उनका ध्यान आपके ऊपर आएगा। अगर वो बिजी है तब भी उनका ध्यान आएगा। तो इसलिए खुद की पर्सनालिटी को बदलो। अगर वो बहुत ही ज़्यादा इग्नोर करे, तो इस पर भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना तुरंत, कि अगर वो बहुत ही ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं तो। या फिर अगर आप डायरेक्टली कॉल पे मुझसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहते हो, तो पेड कंसल्टेशन के लिए आप 9834250097 इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।